नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक छोटी सी बहुत अच्छी मोरल स्टोरी लेकर आया हूं, आपको जरूर पसंद आएगी। स्टोरी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज की स्टोरी का जो टाइटल है लव नेवर डाइस, लव यानी प्यार, नेवर यानी कभी नहीं, नो यानी नहीं, नॉट यानी नेवर यानी कभी नहीं, डाइस मरता है। मरता क्यों बोल रहा हूँ, ऐसे ये जब यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में तो हम ऐसे ईएस लगाते हैं, ता है, ती है, ते हैं, तो प्यार कभी नहीं मरता है, ऐसे इसका टाइटल है। चलिए देखते हैं कौन से प्यार के बारे में बात हो रही है यहां पे। द पेरेंट्स ऑफ रमेश हैड डाइड अ लॉन्ग टाइम अगो। अब पेरेंट्स यानी माता पिता ऑफ रमेश, रमेश के माता पिता हैड डाइड, मर चुके थे, मर गए थे, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, जहां पे हैड के साथ डाई का थर्ड फॉर्म डाइड लगा हुआ है, मर चुके थे, मर गए थे, अ लॉन्ग टाइम अगो यानी बहुत समय पहले मर चुके थे। ही हैड सिंगल हैंडेडली ब्रॉट अप हिज यंगर ब्रदर। ही हैड उसने, है ना, सिंगल हैंडेडली ब्रॉट अप, तो ये भी आपका थर्ड फॉर्म है, यानी कि यहां पे हैड के साथ यूज किया हुआ है, तो यहां पर भी उसने किया था, किया है, लिया है, दिया था, क्योंकि हैड पास्ट परफेक्ट है, तो उसने परवरिश किया था, ऐसा हुआ, ठीक है। उसने सिंगल हैंडेडली यानी, है ना, उसका मतलब अकेले अकेले ही परवरिश किया था हिस यानी अपने यंगर ब्रदर यानी छोटे भाई की, तो अकेले ही उसने माता पिता के मरने के बाद सूर्य रमेश ने क्या किया, अपने छोटे भाई का सिंगल हैंडेडली उसने परवरिश किया, ठीक है। व्हेन द ब्रदर अटेन्ड द एज ऑफ मैरिज, जब द ब्रदर यानी भाई, उसका जो भाई था, अटेन यानी प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया, द एज ऑफ मैरिज यानी शादी की उम्र को प्राप्त किया, यानी जब उसकी शादी की उम्र हुआ, राजेश गॉट हिम अ वाइफ, राजेश है ना, राजेश उसका छोटा भाई का नाम है, गॉट यानी मिला, हिम यानी उसे अ वाइफ, उसे एक पत्नी मिली, यानी उसकी शादी हो गई, सीधी सी बात है। बट सून द ब्रदर्स वर फोर्स्ड टू डिवाइड देयर प्रॉपर्टी, बट सून लेकिन जल्दी ही द ब्रदर्स यानी जो भाई थे, वर यानी थे, फोर्स यानी फोर्स करना यानी क्या होता है, मतलब जबरदस्ती यानी हम फोर्स करते किसी पे, ताकत लगाते हैं, टू डिवाइड, डिवाइड करने का यानी बंटवारा करने का दबाव, है ना, देयर यानी अपनी प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी यानी संपत्ति, जो भी जमीन जायदाद है, तो दोनों क्या दबाव डालने लगे, फोर्स करने लगे कि नहीं भाई हमें बंटवारा चाहिए। बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट स्क्वैबलिंग, बिकॉज क्योंकि ऑफ यानी कि कॉन्स्टेंट यानी लगातार, स्क्वैबलिंग का मतलब होता है विवाद, बिटवीन यानी बीच में, देयर वाइफ्स यानी उनकी पत्नियों के बीच, डब्ल्यू आई एफ वाइफ यानी होती एक पत्नी, यानी कि पत्नी, कोई किसी एक पत्नी के बारे में बात हो वाइफ लिखेंगे, लेकिन एक से ज्यादा होगी प्लूरल तो वाइफ का वाइफ्स ऐसे बन जाता है, ठीक है। तो उनकी पत्नियों के बीच लगातार जो विवाद होते हो रहे थे, उसके कारण उन लोग क्या करना चाहते थे, बंटवारा, कि भाई चलो बंटवारा कर लेते हैं, उनकी पत्नी हमेशा लड़ती रहती थी। द फील्ड्स हाउ एवर रिमेन ज्वाइंट प्रॉपर्टी, द फील्ड्स यानी खेतों, है ना, खेतों की, हाउ एवर हालांकि रिमेन ज्वाइंट फैमिली, सॉरी रिमेन ज्वाइंट प्रॉपर्टी, और जबकि उनका क्या था, ज्वाइंट प्रॉपर्टी यानी जो संपत्ति था, है ना, वो क्या था, ज्वाइंट प्रॉपर्टी, उसमें भी वो लोग क्या करते थे, विवाद करते थे प्रॉपर्टी के लिए। अब क्या हुआ, वन नाइट, एक रात, द ब्रदर्स वर स्लीपिंग इन द फील्ड्स टू गार्ड देयर गनी बैग्स, द ब्रदर्स यानी जो भाई थे, वर स्लीपिंग सो रहे थे, इन द फील्ड्स यानी खेतों में, ठीक है, उनका जो प्रॉपर्टी था मतलब सॉरी वो जो खेत में सो रहे थे, क्या चीज के लिए, देखिए, टू गार्ड, गार्ड यानी रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, देयर गनी बैग, देयर यानी अपने, है ना, उनके भी होता है, अपने भी होता है, उनके गनी बैग, गनी बैग का मतलब होता है, हम बोलते हैं बोरा, बोलते हैं ना, बोरे, बोरे की रक्षा करने के लिए, ऑफ ग्रेन्स, ऑफ यानी के ग्रेन्स यानी अनाज, तो अनाजों के बोरे की रक्षा करने के लिए वो क्या कर रहे थे, वहां पे गार्ड करने के लिए वहां पे सो रहे थे। द यंगर ब्रदर थॉट, द यंगर यानी छोटे भाई ने थॉट यानी सोचा, थिंक यानी सोचता है, थॉट यानी सोचा, भैया नीड्स मोर मनी टू लुक आफ्टर हिज बिगर फैमिली, देखिए भाइयों का प्यार भी खत्म नहीं हुआ ना, तो भैया नीड्स यानी भाई को, भैया को जरूरत है, जरूरत होती है मोर मनी, ज्यादा पैसों की, टू लुक आफ्टर, लुक आफ्टर यानी ध्यान देना, उसे लुक आफ्टर बोलते हैं, हिज यानी अपने बिगर फैमिली यानी अपने बड़े परिवार का ध्यान रखने के लिए भैया को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, छोटा भाई सोच रहा है। अब उसने क्या किया, ही क्वाइटली शिफ्टेड फाइव बैग्स फ्रॉम हिज शेयर टू हिज ब्रदर्स, ही क्वाइटली, वह क्वाइटली यानी चुपचाप, शिफ्टेड, शिफ्ट करना नहीं यहां से वहां करना, शिफ्ट कर दिया फाइव बैग्स, पांच थैलों को, फ्रॉम हिज शेयर,
अपने शेयर का यानी अपने भाग का, यानी कि उनका जो जमीन वमीन था उसमें खेती एक साथ करते थे, लेकिन बंटवारा रहता था कि भैया खेत में इतना अनाज होगा तो इतना तुम्हारा इतना मेरा। तो उसने क्या किया, अपने शेयर में से टू हिज ब्रदर्स, अपने भाई को 5 बैग अपने भाई के में डाल दिया चुपचाप, जब सो रहा था ना उसका बड़ा भाई। तो रमेश हैड ऑलरेडी डन द सेम थिंग्स, रमेश हैड ऑलरेडी डन यानी उसने वो कर चुका था, यानी उसका जो बड़ा भाई रमेश ने ऑलरेडी यानी पहले से ही डन यानी कर चुका था। ये भी आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ डन, डू, डिड, डन, थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी। रमेश ने पहले ही कर लिया था द सेम थिंग, वही चीज यानी उसने भी 5 बोरा, रमेश जो बड़ा भाई है, पहले ही सुबह के समय उसने क्या, इन द मॉर्निंग यानी सुबह के समय, व्हेन दे काउंटेड है ना, उसने क्या कर लिया था, पहले ही अपने भाई के में, छोटे भाई के में 5 बैग डाल दिया। और उसके बाद छोटे भाई को नहीं पता था कि मेरे 5 बैग डाले, उसे लगा बड़े भैया को जरूरत है, तो उसे पता ही नहीं, उसे लगा अपने बैग ही दे रहा हूं मैं, अपना थैला 5, यानी कि दोनों बराबर हो गए। इन द मॉर्निंग यानी सुबह के समय, व्हेन दे काउंटेड देयर रिस्पेक्टिव गनी बैग, जब है ना वे लोग काउंटेड, उन्होंने गिना, देयर यानी अपने, रिस्पेक्टिव यानी संबंधित यानी अपने अपने, उसे रिस्पेक्टिव बोलते हैं, गनी बैग्स अपने अपने थैलों को जब गिना, दे अंडरस्टूड एवरीथिंग, वे अंडरस्टूड यानी समझ चुके थे, समझ गए थे एवरीथिंग, वे सब समझ गए थे। बोथ द ब्रदर्स हग्ड ईच अदर, बोथ द ब्रदर्स यानी दोनों भाइयों ने हग्ड यानी गले मिला, ईच अदर यानी एक दूसरे का गले लग गए, एक दूसरे से गले मिल लिए। इसलिए इस टाइटल है स्टोरी का लव नेवर डाइस, यानी दोनों हमेशा प्यार करते थे, लेकिन पत्नियों के आने से दोनों में झगड़ा हो गई, विवाद हो गया किसी भी कारण से, लेकिन इनका प्यार नहीं मरा, भले ये सब चीज़ अलग कर लिए थे लेकिन एक दूसरे के प्रति प्यार था। छोटे भाई ने सोचा भाई को जरूरत है ज़्यादा तो उसने उसे दे दिया था, जबकि बड़े भाई ने पहले ही अपने छोटे भाई को शेयर अपने में से दे चुका था, यानी दोनों कुल मिला के 5-5 बराबर गिने। तो बोले अरे मैं तो दिया था 5, कैसे उतना ही है, उसने भी सोचा मैंने तो 5 शेयर किया था कैसे उतना है, इसका मतलब दोनों ने एक दूसरे को दिया था वो समझ चुके थे। तो ये थी आज की स्टोरी, थोड़ी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।